तब मारी च हृदय अनुमाना नवहि विरोधे नहि कल्याना। सब गाइए। नवहि विरोधे नहि कल्याना। मारीच भी ज्ञानी है, रावण का मामा है, पर ज्ञानी है, बहुत ज्ञान की बात कह रहा है कि नौ लोगों से विरोध करने वाले का कल्याण नहीं होता, वो बच नहीं सकता है। नंबर एक, शस्त्री शस्त्रधारी से जो विरोध करता है। दूसरे, मर्मी जो तुम्हारे सब मर्म को जानता, भेद को जानता, रहस्य को जानता, तुम्हारी गुप्त प्रकट बातों को जानता है, उससे जो विरोध करता है वो भी फिर सुरक्षित नहीं रहता। प्रभु और भगवान से विरोध करने वाले का कल्याण नहीं है। प्रभु यानी अपने स्वामी से, गुरु से, इष्ट देव से, श्रेष्ठ देव से जो विरोध मान लेता है वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि फिर उसकी भक्ति का आधार बिंदु खत्म हो जाता है। इसलिए कभी स्वामी से विरोध मत मानिए। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ, सठ माने दुष्ट, दुष्ट से जो विरोध कर लेता है, दुष्ट तुमको कई प्रकार से सताएगा, तुम्हारे साथ जुड़ा भी रहेगा, तुम्हारा नुकसान भी करता रहेगा, बर्बाद करता रहेगा, तुम्हारे घर में तिकड़म बनाता रहेगा। सठ धनी और धनवान व्यक्ति से विरोध करने वाला सुखी नहीं रहता है, क्योंकि धन भी एक शक्ति है, धन बहुत बड़ी ताकत है, धन बहुत बड़ा काम करता है और सभी जगह धन रास्ता खोल देता है। इस दुनिया में, इस लोक में धन का तो बड़ा महत्व है, कितनी रिश्वत होती है, रिश्वत से कितनी बाजी पलट जाती है, पैसा का खेल कितना निराला हुआ, पैसे से वोट पलट जाती, सपोर्ट पलट जाती है, और पैसे के बल पर कितने बड़े बड़े गलत सही कांड होते, कार्यक्रम होते हैं। पैसा पुण्य के भी काम करने में मदद करता है और पैसा पाप के काम करने में मदद करता है। पैसा जिंदगी देने में भी मदद करता है और पैसा तुमको मौत देने में भी मदद करता है। पैसे से ऐसी दवा मिलेगी कि आप मौत के मुंह से निकलकर बाहर आ जाओगे, ऐसा डॉक्टर इलाज कर देगा, और पैसे से ही जहर भी मिलेगा कि आप उसको पीकर मर भी जाओगे। इसलिए धनवान व्यक्ति से बुद्धिमान आदमी कभी भिड़ता नहीं है, क्योंकि धनवान के पास जो धन की ताकत है। पर याद रखना, धन से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है कौन? चरित्रवान, बुद्धिमान, विवेकवान। भगवान राम के पास में धन नहीं है लेकिन धर्म है, विवेक बहुत है उनके पास, चरित्र है उनके पास, इसलिए राम की जीत हुई थी और धनवान रावण की हार हो गई थी। धन से भी ज्यादा ताकत है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सूझबूझ, तुम्हारे सद्गुण, तुम्हारा सदाचार, ये उससे बड़ी ताकत है। इस ताकत को पहचानिए। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वेद बंदि कवि भानस गुनी। वैद्य, वैद्य यानी जो इलाज करता है, उससे भी दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहिए, खुश रखना चाहिए डॉक्टर को, वैद्य को। बंदी, बंदी माने जो तुम्हारे गुणगान करने वाले लोग हैं, जो कवि लोग हैं, उनसे भी विवाद मत कीजिए, अन्यथा वे तुम्हारे उल्टा कविता बनाकर गा देंगे, तुम्हारा सम्मान खत्म हो। और गुणी गुणवान व्यक्ति से विरोध मत करो। भानस, भानस माने भंडारी, भोजन बनाने वाले से विरोध मत करो, नहीं भोजन में नाराज हो जाएगा थोड़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती का भंडारी था जगन्नाथ, उसने पॉइजन दिया था, उनको खिलाया था और स्वामी दयानंद सरस्वती खत्म हो गए थे। भंडारी से विरोध करना, हर घर में भंडारी बैठा हुआ है,
जो भोजन बनाती हैं महिलाएं, इनसे वाद विवाद मत करिए, इनके हाथ में जिंदगी है। इसलिए कितने पति लोग कहते हैं अपनी पत्नी से कि तुम मेरी जान हो, वास्तव में वो जब चाहेगी तुम्हारी जान खींच देगी, निकल जाएगी जान। इसलिए उसको खुश भी रखिए, नाराज मत करिए। और कभी भंडारी को भी कोई डांट दे समझा दे तो उसको बदला नहीं लेना चाहिए, अपना सुधार करना चाहिए भोजन में। परंतु मारीच कहता है इनसे सबसे सावधान जरूर रहना चाहिए। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा, सस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वेद्य बंद कवि भानस गुनी। गुणवान व्यक्ति जो है उसकी गम खा लीजिए, लेकिन उसको साथ में जोड़ कर रखिए, क्योंकि गुणवान तुम्हें सफलता दिलाता है, आप आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके घर में यदि गुणवान सदस्य हैं तो आप जो भी संकल्प लोगे वो सफल हो जाएगा। जिस गुरु के पास में गुणवान शिष्य है वो गुरु जो प्लानिंग बनाता है उसमें सफल हो जाता है। और ये भी बड़े सौभाग्य से गुणवान पत्नी, गुणवान पति, गुणवान सास ससुर, गुणवान बेटा, गुणवान बेटी, गुणवान बहू, ये सब बड़ी किस्मत से मिलते हैं, गुणवान और बुद्धिमान। मानुष तेरा गुण बड़ा मान सना वे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य को कलाएं अपने अंदर विकसित करना पड़ता है, तो गुणों को भी प्रोग्रेस करना पड़ता है। गुण और कला में अंतर होता है। गुण जैसे सहनशीलता, ये गुण है। भोजन बनाना ये एक कला है। माइक चलाना एक कला है। लेकिन गम खाना एक गुण है। गुण और कला जब दोनों आपके पास कंप्लीट होंगे तो सफलता का द्वार खुलेगा। कितने लोग कलाकार तो बहुत हैं लेकिन गुण विहीन है। काम करने की कला है पर सहन शक्ति का गुण नहीं है। गुस्सा बहुत आती है, क्रोध बहुत आता है, नाराज बहुत जल्दी होते, जिसके कारण उनको कोई काम पर लगाता ही नहीं। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले 20 जगह काम कर दिया हूँ, 20 जगह से निकाला गया हूँ। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले जहाँ गया हूँ वहीं मारपीट किया हूँ, सहनशीलता का गुण है ही नहीं। काम तो बहुत अच्छा करता हूँ सह नहीं पाता, बर्दाश्त नहीं होता, गम नहीं खा पाता। ये सहनशीलता का गुण आपकी कलाओं को प्रयोग करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। जिस दुकानदार में सहनशीलता है ग्राहक की गम खा करके भी अपने बिजनेस में सफल हो जाता। एक स्त्री कह रही थी कि बुढ़ापे में पता चला कि मेरा पति महान है। अगर ऐसा पति ना होता, इतना सहनशील, इतना गम खाने वाला, तो मुझको जरूर मार डालता। मैं बहुत गलतियां कर चुकी हूँ और बहुत अपने पति को तंग किया है हमने, लेकिन इसने सब गम खा लिया है। गम खाने वाला पति मिल जाए, सहनशील पत्नी मिल जाए तो घर टूटता नहीं है, चलती है। और संतोष का गुण, ये भी बहुत बड़ा गुण है। शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे, तो सोचिए फिर शंकर जी में कितने गुण होंगे। आज के आदमी में 2-4 गुण मिल जाए वही बहुत है, दुर्गुण ही दुर्गुण भरी हुई, कितने अवगुण हैं। और फिर भगवान का भजन गाता है तो कहता है प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, ये भगवान मेरे अवगुण तुम देखो मत, बस स्वीकार कर लो,
नकली सिक्का हो असली सिक्का हो जो भी हो आप ले लो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। मनुष्य बुद्धिमान है, भगवान को भी समझाता है कि एक नदिया एक नार कहावे, मैलो नीर भरो। एक नदी है एक नाला है, गंदा नाला उसमें मैला पानी भरा है, और दोनों मिलकर एक वर्ण भय सुरश्री नाम परो। गंदा नाला जब गंगा नदी में मिल जाता है तो उस गंदे नाले के पानी को भी गंगा जल ही कहा जाता है। इसलिए प्रभु मैं तो मैला गंदा नाला हूँ, आप तो गंगा नदी हो, आप में अपने को हमको मिला लो, हम भी गंगा जल हो जाएंगे। लेकिन हमारे अवगुण देखो मत। अब वास्तव में अगर अवगुण भगवान अवगुण देखेंगे तो फिर वो तुमको शरण भी नहीं दे पाएंगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? शास्त्रों में लिखा है मनुष्य के जितने शरीर में रोम है, रोम रोम में अवगुण भरा हुआ है, बहुत अवगुण है, जन्म जन्म से सब अवगुण तमाम दुर्गुण। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण